हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको बताऊंगा कि समर में भी आप अपने कैंडुला प्लांट को कैसे हरा भरा और उसको ब्लूम करें, फ्लावर्स ब्लूम करें, उसके लिए आपको क्या करना है। तो वैसे तो खाद और पानी तो आपको देना ही देना है, इसके अलावा और एक काम करना है, तो चलिए वो करते हैं। इसको जो है प्रूनिंग करनी पड़ती है, तभी ये समर में सर्वाइव कर पाएगा और कीड़ों से बचाना पड़ता है। अगर कीड़े लग रहे हैं तो नीम लीव्स को बॉईल करके इन पे स्प्रे कर दीजिए, कीड़े हट जाएंगे। और अगर कीड़े नहीं लग रहे हैं, कुछ दूसरी प्रॉब्लम है जैसे कि ब्लूम नहीं कर रहा है, ज़्यादा फेड हो रहा है, तो आपको करना क्या है, थोड़ी सी प्रूनिंग। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि प्रूनिंग इसकी कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं ये फालतू की एनर्जी ले रहा है, जबकि हम उसको वैसे भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये गया, उसी तरह मैं इसको भी काट दूंगा। इसी तरह बहुत सारे जो ज़रूरत नहीं होंगे उनको काट के हटाना है। जैसे ये देखिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, इन दोनों को ज़रूरत नहीं है। इसको भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी नहीं है, और इसको भी नहीं है। हो गया, इन दोनों को भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये तो एकदम से ना सीड्स देने लायक है ना कुछ देने लायक है। इसका भी वही हाल है, इसका भी देखिए कुछ हाल यही है। ये देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोगों ने हटा दिया। उसी तरह इसको भी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। यहाँ पर एक छिपा हुआ है, इसको भी हटा देंगे। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। बहुत ही सावधानी से कटिएगा, वरना ये देखिए वो छोटा सा जो ब्लूम करने वाला है वो ब्लूम नहीं करेगा। इसमें देखिए, इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं, तो इसको आप या तो हटा भी सकते हैं या फिर संभाल के काटिएगा। ये देखिए इस पर काफ़ी कीड़े लगे हैं, इसको मैं क्या करूँगा, मैं फेंक दूँगा। उसी तरह अभी यहाँ पर भी है, तो इसको भी हटा दूँगा। यहाँ पर भी है जो ब्लूम कर चुका है, इसको हटा दूँगा, इसको भी हटा दूँगा। आ रहे हैं, इसको भी उसी तरह हटा दूँगा। देखिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रूनिंग कर दी है इसकी। अब इसके जो बर्ड्स हैं, ये छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिलने लगेगी। थोड़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की है। देखिए अच्छी एनर्जी अब इन्हें मिलनी लगेगी। तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रूनिंग कर दी। उसी तरह ये जो मेरा दूसरा प्लांट है, तो मैं इसकी भी इसी तरह प्रूनिंग करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। मेरे कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। कीड़े लगे हैं तो मैं इसको काट लूँगा, काट लिया हूँ इसको, काट के मैं इसको फेंक दूँगा। इसी तरह दूसरा जो होगा,
उसकी प्रूनिंग कर दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना आए। इसमें भी कीड़ा लग गया, इसको भी फेंकना पड़ेगा। देखिए ये है, ये मैं एक हाथ कैमरा पकड़ा हूँ, एक हाथ मोबाइल, तो इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रूनिंग कर दिया। अक्सर दोस्तों इसमें विंटर में तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन समर में इसमें जो है वो कीड़े लगने लगते हैं। विंटर में मेरे में एक भी कीड़े नहीं लगे हुए थे, बहुत ही अच्छे से था। तो मेरे ख्याल से जो विंटर्स के पौधे होते हैं उनको समर में ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे वीडियो को अगर देखना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।